हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पना। स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमावनी स्पेशल में, जहां मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुमाऊं का कल्चर और यहां के स्वादिष्ट व्यंजन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं पहाड़ी रायते की रेसिपी। रायता बनाने के लिए हमें चाहिए खीरा, जिसे हम अच्छी तरह से छीलकर धो लेंगे। ये देखिए, ये खीरा मैंने साफ से धो लिया है। खीरे को कद्दूकस करने से पहले इसमें से एक छोटा सा पीस निकालकर खीरे को चख लें, क्योंकि कभी खीरा कड़वा होता है, जिससे आपका रायता भी कड़वा हो सकता है। अब खीरे को काटकर कद्दूकस कर लें। अगर आपके खीरे के बीज टाइट हैं, तो इसे काटकर हटा लें। इसी तरह पूरे खीरे को कद्दूकस कर लें। ये देखिए, ये मैंने पूरा खीरा कद्दूकस कर लिया है। अब इसे हाथों से निचोड़कर इसका पानी अलग कर दें। निचोड़े हुए खीरे को एक बाउल में रख लें। ये मैंने सारा खीरा निचोड़ लिया है, अब इसमें दही मिलाएं। अब इसमें राई पीस कर मिलाएंगे। ये राई दाना है, जिसे मैंने पहले ही पीस कर रखा हुआ है, जिसे हम एक चम्मच रायते में मिला लेंगे। अगर आपके पास राई नहीं है, तो आप मार्केट से राई पाउडर भी लेकर के इसमें मिला सकते हैं। अब इसमें एक चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें एक चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर मिलाएं। अब दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिला लें। यह है जखिया, इसे तवे पर ड्राई रोस्ट कर इसमें मिला लें। जखिया डालना ऑप्शनल है।
अब इसे 20 से 25 मिनट तक ढक कर रख दें, जिससे राई इसमें अच्छे से भीग जाए और हल्दी भी अपना कलर दे। 25 मिनट हो चुके हैं और रायता बनकर तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकालें और हरा धनिया के साथ गार्निश करें। टेस्टी चटपटा पहाड़ी रायता तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।